यार वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी, एक लाइक तो बनता है, प्लीज अपने व्हाट्सएप पे शेयर करो, अपने ग्रुप्स में। एक जवाब उन हेटर्स के लिए जो हिंदू और मुसलमान को मुद्दा बनाकर हमारी आगे की जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं, तो उसी के लिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया दिल्ली के इंडिया गेट पर, जहाँ पर जाकर मुझे पता लगा कि हिंदू और मुसलमान में कोई हेट है ही नहीं। ये तो वो लोग होते हैं जो जिनकी छोटी सोच होती है और हम जो लोगों में गलत। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आइकॉनिक लाइफ। तो सब लोग उस पर अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं, तो मैं भी एक पब्लिक रिएक्शन के लिए आया हूँ यहाँ पर। वीडियो आए तो पसंद करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ प्लीज कमेंट मी कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अबाउट द पब्लिक रिएक्शन। हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। तो चलो चलते हैं इंडिया गेट और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर जो मैं एक मुसलमान हूँ और खड़ा होता हूँ अपने हिंदू भाइयों के लिए दिवाली विश करने के लिए, तो क्या वो मुझे गले लगाते हैं? क्या उनका प्यार झलकता है मेरे लिए? क्या वो मुझे सच में एक दिल से अपना भारत भी है, दोस्त मानते हैं? चलिए देखते दोस्तों। यहाँ पर गया था मैं पब्लिक रिएक्शन के लिए दिवाली के टाइम पर इंडिया गेट पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा पता नहीं कैसा रिस्पांस आ गया, और मैं तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं घबराया हुआ था और डरा हुआ था कि पता नहीं लोग कैसे रिस्पांस मुझे करेंगे और कैसे नहीं देखेंगे। तो गया था मैं 30 मिनट्स के एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन वहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट हो गया था 1.5 आवर्स और मुझे इतना ज़्यादा प्यार किया कि बहुत ज़्यादा। तो गाइस मुझे हो चुका था यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 घंटा, और जो मेरा कैमरामैन बोल रहा था यार बस बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, हम लोगों की वीडियो वायरल हो जाएगी और ये हो जाएगा, लेकिन मुझे मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा था ना कि यार नहीं थोड़ा सा और, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हम लोगों के देश में इतने सारे लोग हमारे प्यार करने वाले। तो जैसे ही मैंने सोचा कि चलो बस अब कंप्लीट कर देते हैं, तो पीछे से आ जाती हैं हमारी ये पीछे से एक दीदी, उन्होंने बोला कि यार प्लीज़ लास्ट टाइम मतलब जाते जाते आप मेरे से हक करके जाइए तो और फोटो खिंचवा के जाइए यहाँ पर क्लिक करा के। तो काफ़ी लोगों ने मुझे यहाँ पर अच्छा बहुत सपोर्ट दिया, बहुत अच्छे से प्यार किया, बहुत अच्छा सा रिटेन किया कि हाँ वी लव ईच अदर, ये हमें कोई अलग नहीं कर सकता, वी ऑल आर। Yeah.
दोस्तों अगर जो आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, अपने स्टेटस में, जिससे कि मेरी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। और मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप समझदार बनो, और जो लोग हिंदू और मुसलमान को लेकर दंगे कराते हैं और जो लोग हिंदू और मुसलमान को टॉपिक मुद्दा बनाकर अपनी चीज़ों को चीज़ें एक्सप्लोर कराते हैं, तो प्लीज़। तो फाइनली गाइस, मैं ऑलमोस्ट शाम को 4-5 बजे से, मुझे बज गए थे शाम के 7 साढ़े 7 बजे ऑलमोस्ट हो गए थे। तो फाइनली मेरा जो मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ, और फाइनली मुझे बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों की तरफ से मिला, जिस मकसद के लिए मैं गया था कि आई एम मुस्लिम प्लीज़ हग मी, स्पेशली द ओकेजन ऑफ दिवाली। तो यहाँ पर मुझे देखने को मिला कि यार, हम हिंदू हो या मुसलमान हो, हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब हमारे अंदर वो एकता है जो हर चीज़ को कामयाब बना सकती है। तो जो लोग हेट फैलाना चाहते हैं मुसलमान और हिंदुओं को लेकर, उनके मुद्दों को उठाकर और अब अपनी आगे की जनरेशन को ख़राब करना चाहते हैं, तो प्लीज़ बी एजुकेटेड, बी सेंसिबल, और दूसरे लोगों को अच्छा सा मैसेज दीजिए। थैंक यू।